मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए कार मास्टर कोर्स, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। मैंने जब से यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जब से मैं कार मास्टर में एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है कार मास्टर में। इस वीडियो को देखने के बाद आप कार मास्टर में मास्टरी तो हासिल कर ही लोगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो शायद आपके मन में चल रहा होगा या बाद में चलने लगे। आपको प्ले स्टोर पर और भी बहुत सारी एडिटिंग एप्स देखने के लिए मिल जाएंगी, लाइक BN, CapCut, Insta, बहुत सारी एडिटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी। लेकिन आपको कार मास्टर जी क्यों सीखना चाहिए, क्या है ऐसा कार मास्टर में जो आपको चूज करना चाहिए कार मास्टर? इसके मेनी ऑफ रीजंस है जो आपको मैं दूसरी एप्स में नहीं मिलेंगे, जो आपको कार मास्टर में देखने के लिए मिल जाए। क्या एडवांटेज है कार मास्टर का, चलिए मैं बताता हूँ। लाइक इजी इंटरफेस है जिससे आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप इसे चला सकते हो अपने मोबाइल में। दूसरा, नो लैग्स नो बग्स। ऐसा क्यों? दूसरी एप्स जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, लाइक BN या CapCut, वो बहुत ज़्यादा हैवी ऐप होती हैं, जिसके बाद आपका मोबाइल में जब उसे एडिटिंग करोगे BN या CapCut ऐप से, तो आपका मोबाइल लैग करने लगता है। मतलब मज़ा एकदम किरकिरा हो जाता है जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन आती है। आपको कार मास्टर के अंदर कार मास्टर खुद का एक स्टोर मिल जाएगा, जिस स्टोर से आप ट्रांजिशन ग्राफिक्स, ओवरलेज, क्लिप ग्राफिक्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सारी प्रीमियम लेवल की आपको वहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको प्रीमियर प्रो में तक नहीं मिलते हैं। और आपको कार मास्टर में बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ग्रीन पर्दे पर वीडियो बनाते हो तो वो रिमूव कर सकते हो क्रोमा की के जरिए। और आपको यहाँ पर की फ्रेमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक एडवांस फीचर है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया एडवांटेज कार मास्टर के सीखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर आप कार मास्टर ऐप देख रहे हो, इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से या क्रोम वेबसाइट से कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है, या आपको प्ले स्टोर भी मिल जाता है तो डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जब भी ओपन होता है तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप नीचे 4 ऑप्शन देख रहे होगे, ये नीचे में देख यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होगे। अभी आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिएट वाले ऑप्शन पर है, ये हाईलाइट हुआ पड़ा है, तो इस मतलब ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं के ऊपर बात करता हूँ, ये नॉर्मल से ऑप्शन है, जल्दी आप समझ जाओगे। यहाँ पर आप होम पे आते हो तो जैसे टिकटॉक या रील्स पे और ये यूट्यूब शॉर्ट्स होती है ना ऐसे, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में वीडियो चलती हैं, शॉर्ट्स वगैरह होती हैं, रील्स वगैरह, उस टाइप में यहाँ पर वीडियो चलती है। फिलहाल मेरे में इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये नहीं चल रहा है। उसी के बाद आपको यहाँ पे एक मिक्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप ड्यूट वीडियो बनाना चाहते हो, रीमिक्स करना चाहते हो, इसी तरह जैसे आप रील्स पर ड्यूट वीडियो बनाते हो, रीमिक्स करते हो, शॉर्ट्स पर भी रीमिक्स वीडियो बनाते हो, उसी तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो मिक्स पे। यहाँ पर भी उसी तरह की वीडियो वगैरह यहाँ पर आती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन आ जाता है, यही ऑप्शन हमारा मेन है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन मी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अकमास्ट में अकाउंट बना रखा है, कहने का मतलब जीमेल से लॉगिन कर रखा है या अपनी आईडी क्रिएट कर रखी है, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर अकाउंट नहीं बना रखा, तो मैं इसे बिना अकाउंट के चला रहा हूँ। आप भी बिना अकाउंट के बनाए भी चला सकते हैं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप उसके बाद ये क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आपको ऊपर देखोगे तो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देखोगे कार मास्टर का प्रीमियम वर्जन के बारे में यहाँ पर कुछ दिखा रखा है। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन होगा, कहने का मतलब अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा, एड्स नहीं आएंगे, आप अनलिमिटेड प्रीमियम एसेट्स यूज़ कर सकते हो एंड 10 GB का ऑनलाइन स्टोरेज भी, आपको क्लाउड स्टोरेज भी देखने के लिए मिलता है अगर आपने प्रीमियम वर्जन ले रखा है। फिलहाल तो मेरे पास प्रीमियम वर्जन है। अगर आपके आपको चेक करना है कि मेरा जो कार मास्टर मैंने डाउनलोड कर रखा है वो प्रीमियम वर्जन है या नहीं, तो वो यहाँ से ही चेक कर सकते हो ऊपर। आपको अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर कुछ साइड में ऑप्शन दे रखे हैं और भी, ये सेटिंग का जो आइकन है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ कार मास्टर की सेटिंग वगैरह दे रखी हैं। फिलहाल तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ सेटिंग वगैरह देखने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन अगर आप कभी एडवांस सेटिंग करना चाहते हो यहाँ से एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो कुछ ऑप्शन हैं आप इन्हें चेक कर सकते हो, कुछ सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर लिख रहा होगा अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स। अगर आपका कार मास्टर में लेयर्स पर जब आप काम करते हो, अनलिमिटेड आपने लेयर्स लगा दिए, कुछ लोगों को लेयर्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बस आप सुन लीजिए, मैं बाद में जब एडिटिंग करना दिखाऊंगा कुछ ऑप्शन आपको बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। जब आप अनलिमिटेड लेयर का ऑप्शन ऑन कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे ऑन कर दे तो आप अनलिमिटेड लेयर्स अप्लाई कर सकते हो अपने कार मास्टर ऐप में, लेकिन उसके साथ आपका जो मोबाइल जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब उसका जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रीमियम वाला प्रोसेसर होना चाहिए, जो कि आपको 20,000 के मोबाइल में देखने के लिए मिलता है। तो आप इसे अलाउ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, मैंने तो अलाउ नहीं कर रखा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर निकालोगे कि आपका जो मोबाइल है जो कितनी वीडियो सपोर्ट करता है, मतलब 4K में वीडियो सपोर्ट करता है, क्या आपका मोबाइल वो यहाँ से देख सकते हो। तो मेरा जो मोबाइल है 2K ही सपोर्ट करता है, यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम सपोर्ट वीडियो क्वालिटी 2K, यहाँ पर 2K आ रहा है।
उसके बाद आप यहाँ पर एनालाइज का ऑप्शन दिखेगा, अगर आप दोबारा एनालाइज करना चाहते हो अपने डिवाइस को तो यहाँ पर क्लिक कर देना, आपके जो ये निकाल देगा। यहाँ पर चिपसेट वगैरह रेड या आपको मोबाइल का डिवाइस का नेम भी दिखा देगा एंड एंड्रॉइड वर्जन सब कुछ यहाँ पर दिखा देता है। फिलहाल के लिए मैं इसे बैक करता हूँ, जरूर से चेक करना इसे वैसे डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन जरूर से चेक करना जब आप काइन मास्टर इंस्टॉल करते हो। अब हाँ मेन चीज़ जो है हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, जो मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग है जो मैंने अभी हाल ही में अपनी वीडियो में कर रहा हूँ और ये कुछ वीडियो अपलोड होंगे यूट्यूब पर। तो जब आप वीडियो एडिट करते हो तो वो यहाँ पर सेव हो जाती है। मान लीजिए आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो और उसे अभी आपने एक्सपोर्ट कर दी या नहीं की, तो जब आप इसे बैक करते हो काइन मास्टर को बंद करते हो, इसे बंद कर दिया तो उसके बाद वो यहाँ पर सेव हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो बाद में भी आके। तो यहाँ पर भी कुछ मेरे प्रोजेक्ट हैं, अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आप बनाओगे ही जब वीडियो एडिटिंग करोगे तो उसके लिए आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ये कुछ जो मेरे ये प्रोजेक्ट हैं आप इन्हें देख रहे होंगे, इनके साइड में एक थ्री डॉट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। इन थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हो फाइन मास्टर के अंदर ही, और यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हो, इसका डुप्लीकेट भी, इसकी कॉपी भी बना सकते हो और इसे डिलीट भी कर सकते हो यहीं से ही। तो अभी फिलहाल के लिए आपको एडिटिंग काइन मास्टर को समझाने के लिए मैं यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। जब भी आपको काइन मास्टर में एडिटिंग करनी हो तो यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाते हैं, प्रोजेक्ट नेम, एस्पेक्ट रेशो एंड एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये रेयर चांस में ही जब आप वीडियो की एडवांस सेटिंग करोगे जब ही यूज़ में आएगा। मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, रेयरली कभी यूज़ होता होगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट नेम पे आते हैं। अब मान लीजिए आप कुछ प्रोजेक्ट वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसका नाम अगर अपना चाहते हो तो रख सकते हो। लाइक मान लीजिए मैं काइन मास्टर के बारे में आपको सिखा रहा हूँ तो ये मैं लिख देता हूँ काइन मास्टर कोर्स, ये मैंने नाम डाल दिया। इसे बाद में चेंज भी कर सकते हो और इसे बाद में भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको समझा रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ आपको बतानी है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेक्ट रेशो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, आप काइन मास्टर का जो अपडेट वर्जन है जो अभी ये नया लॉन्च हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको साथ ही साथ लोगो भी दिखाई देते हैं। अभी जो क्लिक है रेड जो हाईलाइट हुआ पड़ा है, कहने का मतलब ये वाला मेरा ऑप्शन सेलेक्ट है इसलिए रेड हो रखा है। और इसमें देख सकते हो यूट्यूब का आइकन बन रखा है, मतलब तो अगर मुझे यूट्यूब की वीडियो एडिट करनी है लॉन्ग वीडियो तो मुझे इस वाले पर सेलेक्ट करना है। 16:9 का रेशो है ये, तो इसी रेशो में यूट्यूब वीडियो चलती है। उसके बाद अगर स्नैपचैट का रेशो देखोगे तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, लोगो भी यहाँ पर लग रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पर दे रखा है ये सिनेमेटिक वीडियो के लिए होता है, जो सिनेमेटिक फ्रेम्स होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए यूट्यूब वीडियो और रील्स वगैरह आपको बनानी है, शॉर्ट्स बनानी है तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यूट्यूब वीडियो के लिए आपको बता रहा हूँ, सबके लिए यही सेम होता है। तो उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर नीचे, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये थोड़ा लोड लेगा, बिकॉज मेरा पुराना वर्जन है, मोबाइल थोड़ा पुराना हो चुका है तो इसलिए थोड़ा लोड लेता है मेरा मोबाइल में। उसके बाद जब क्रिएट पर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जब भी आप वीडियो एडिटिंग करोगे और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो हमेशा ही ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे, मैं पहले उन्हें समझूंगा उसके बाद मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड में देखो मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ आपको, ये भी ऑल पर सेलेक्ट है। यहाँ पे और रेड कलर का ये जो हाईलाइट हुआ पड़ा है, इसका मतलब ये ओल्ड के ऑप्शन पर सेलेक्ट है। ओल्ड के ऑप्शन पर सेलेक्ट है इसका मतलब ये है कि जो हमारे फोल्डर बने हुए हैं, सबके मोबाइल फोल्डर होते हैं, किसी का वीडियो का फोल्डर होता है, किसी के इमेज का फोल्डर होता है और भी बहुत सारे फोल्डर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो पिकार्ट, लाइट रूम, काइन मास्टर का फोल्डर, इमेज के फोल्डर, तो ये मेरे फोल्डर बना रखे हैं अपने खुद के। तो यहाँ पर अगर ओल्ड का फोल्डर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इमेज और वीडियो दोनों शो होंगे मुझे, इमेज और वीडियो के फोल्डर वो दोनों शो होंगे। लेकिन अगर मैं सेपरेट देखना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आपको वीडियो फास्ट करनी, वीडियो एडिटिंग फास्ट करनी है ना अपनी, तो उसके लिए बहुत सारी फोल्डर होते हैं जो दिक्कत आ जाती है हमें वीडियो ढूंढने में कि कौन से फोल्डर हमने वो वीडियो डाली, तो आप देख सकते हो वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन दे रखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर वही फोल्डर आएंगे जिसमें वीडियो है, MP4 वाले ही फोल्डर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखो कि मैं किसी भी फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो उनमें सिर्फ मेरी वीडियो है, इमेज नहीं आएगी। अब इमेज वाले फोल्डर यहाँ पे शो नहीं होने वाले, तो इससे होता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आपको वीडियो एडिटिंग फास्ट करनी है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जल्दी ढूंढने में मदद होती है इससे, जो हमने फोल्डर बना रखे हैं वीडियो हमारी कहाँ पर है जल्दी ढूंढने में मदद होती है। उसके बाद अगर आप इमेज का फोल्डर देखना चाहते हो तो इमेज का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर सकते हो। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि सारे इमेज के फोल्डर आ रहे हैं, जो मेरे मोबाइल में इमेज के फोल्डर हैं सिर्फ वही आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इस पर वाले फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखोगे अब मेरे बस इमेज यहाँ पर शो हो रही है और वीडियो वगैरह शो नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, अगर आपको अपनी एडिटिंग स्किल फास्ट करनी है, अच्छी करनी है, तो ये नहीं यूज़ कर सकते ऑप्शन को। और मैं दोबारा से अपने ऑल पर ही क्लिक कर देता हूँ, ऑल पर क्लिक करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियोज़ और इमेज दोनों शो हो रही हैं।
अब यहाँ पर मैं ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ फोल्डर बने पड़े हैं, ये काइन मास्टर के फोल्डर बने पड़े हैं। जब आप काइन मास्टर डाउनलोड करते हो काइन मास्टर के, हर काइन मास्टर के ऐप में ये फोल्डर आपको दिख जाएंगे, ये वाले फोल्डर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओल वाला फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो ओल में जो भी मेरे मोबाइल में फोल्डर हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, इमेज हो वीडियो हो सब यहाँ पर आ जाएंगे ओल में। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इमेज एसेट्स के नाम से एक फोल्डर बना पड़ा है, ये काइन मास्टर के फोल्डर है। यहाँ पर आपको सॉलिड कलर ले रहे हैं, ब्लैक वाइट ये सब यहाँ पर आपको देखने के मिलते हैं इमेज वगैरह में। आप इनमें जो ये जो बैकग्राउंड कलर हैं, बैकग्राउंड इमेजेस हैं, ये डाउनलोड भी कर सकते हो ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करोगे मैं बाद में आपको बताऊंगा, ट्रांजिशन इफेक्ट्स ओवरलेज सब आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करने हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ये वीडियो एसेट्स का बनना पड़ा है, ये मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड कर रखी है काइन मास्टर से, देख सकते हो ये ग्रीन स्किन वाली वीडियो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखी है, इन्हें मैं अपनी वीडियो में भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से देखोगे ये वीडियो डाउनलोड कर रखी है, ये सब मैंने काइन मास्टर से ही डाउनलोड करी है। तो बैक करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कैसे डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये फेवरेट्स का है, जो आपकी फेवरेट वीडियो से ऐड यहाँ पर कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज है काइन मास्टर का, तो सिर्फ यही है बताने के लिए यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ से एक फिलहाल के लिए कोई वीडियो या कोई इमेज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा, कुछ ऑप्शन आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये वाला जो है एक बैकग्राउंड मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, जब आप इसे कुछ भी चीज़ चूज़ करते हो, वीडियो या फोटो जब चूज़ करते हो, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर काइन मास्टर में ऐड होता है। पहले मैं आपको उसे प्ले करके दिखा देता हूँ। प्ले जब आपको करनी होती है वीडियो कोई भी, तो यहाँ पर एक आइकन दिखा दे रखा है, ये प्ले करने का आइकन है, इस पर क्लिक करना। जैसे मैं प्ले करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारी वीडियो आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो जो है कितनी बड़ी है, यहाँ पर आपको कुछ सेकंड भी दिखाई दे रहे होंगे, 5 सेकंड की हमारी ये वीडियो है। उसके बाद जब मैं इसे प्ले करा मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो एक बार है ये हमारा साउंड बार है, इसमें अगर कोई साउंड लग रही होगी तो यहाँ पर आवाज़ आएगी ऊपर नीचे, ये इसके ग्राफ्स होंगे। लेकिन इसमें अभी वीडियो में हमारी कोई आवाज़ कोई साउंड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद पड़ा है। अब मान लीजिए अगर कोई भी आप वीडियो हो, कोई भी इमेज हो, जब आप उसे ऐड करते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तो होता ही है। मान लीजिए इसमें कोई मेरा एक्स्ट्रा पार्ट आ चुका है, अब मुझे वो हटाना है, तो कैसे हटाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे इधर का पार्ट जो हटाना है, तो कैसे हटाएंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, जिस पर भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है तो उस क्लिप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस क्लिक करा, ऐसे अनक्लिक करना है तो इसे हटा दूँगा, ऐसे बाहर कहीं भी क्लिक कर देना। अब मुझे इसे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर, इन्हीं ऑप्शन का सारा काम है। अभी मैं दोबारा अनक्लिक करता हूँ, कहीं भी टच करता हूँ तो ये हट गया, अनसेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है तो क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रिम का ऑप्शन दे रखा है, ट्रिम एंड स्प्लिट। ये ऑप्शन हर किसी एडिटिंग ऐप में होते हैं, अगर आपने कोई एडिटिंग ऐप चलाई है तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन जो बिगिनर हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आती एडिटिंग, तो वो पूरी देखे वीडियो, उन्हें धीरे धीरे मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, और कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में बताते रहना। तो यहाँ पर ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए मुझे कौन सा पार्ट हटाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मुझे लेफ्ट साइड का पार्ट हटाना है तो यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन दे रखा है। अगर मुझे राइट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है वो हटाना है तो मुझे इसे दे सकते, ये ट्रिम लाइट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर दूँगा। लेकिन अगर मुझे बीच में से एक वीडियो काटनी है तो मैं यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये फ्रेम यहाँ के जो ये जो वीडियो है, मुझे ये वीडियो काटनी नहीं है, मुझे एक यहाँ का ही एक स्क्रीन शॉट खींचना है, और इसी स्क्रीन शॉट को मुझे यहाँ पे लगाना है, थोड़ा होल्ड फ्रीज एंड होल्ड वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ से दे सकते हो, तो उसके लिए फोर्थ ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं धीरे धीरे करके आपको चारों ऑप्शन को दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये मैंने यहाँ से काट दिया। अब देख सकते हो हमारी जो ये वाला पार्ट हट चुका है, और ये क्लिप हमारी 4 सेकंड की हो गई। लेकिन चलिए अब मुझे ये जो यहाँ का जो पार्ट है एक्स्ट्रा, इसे भी काट देना है, राइट वाला पार्ट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं इसे काट देता हूँ। तो सेकंड वाले इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 सेकंड की हमारी वीडियो हो गई है, लेकिन मुझे ये इस वीडियो को बीच में से भी काटना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ से बीच में से भी कट चुकी है, लेकिन अब मुझे इसका जो फ्रेम है वो मुझे यहाँ से लेना है, मुझे एक स्क्रीन शॉट लेना है इस फ्रेम का। जहाँ पर भी आपको स्क्रीन शॉट लेना ना, तो उसे यहाँ पर ले जाना, उसके लिए को वहाँ से ऐसे होल्ड एंड वो कर लेना, जिस चीज़ का आपको फ्रेम लेना है, स्क्रीन शॉट लेना है। तो मुझे यहाँ का स्क्रीन शॉट लेना है, तो मैं इस पर करूँगा स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। यहाँ पर देख सकते ये हमारी फोटो बन चुकी है। अब देख सकते इसमें कुछ भी मोशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ शुरू से, देखिए बिल्कुल मोशन हो रही है हमारी वीडियो, यहाँ से मोशन हो रही है, लेकिन यहाँ एकदम फ्रीज हो चुका है। तो ऐसे स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो, फ्रीज कर सकते हो अपने फ्रेम को, एंड अगेन हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए आपने गलती से आपने कोई चीज़ काट दी है, तो उसे कैसे वापस रिवर्स करोगे। मान लीजिए अगर दोबारा से एडिटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन हमें वहीं से ही ये मान ली फ्रेज मुझे नहीं चाहिए, गलती से हमने फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। मान लीजिए हमें बस ये वाला ऑप्शन चाहिए था और हमने गलती से वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो वापस कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आओगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका ये अंडू का ऑप्शन है। अंडू का मतलब आप जानते हो कि मतलब बैक में चले गए, और रीडू का मतलब आगे चले गए। मैं एक और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने लास्ट टाइम ये फ्रीज वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट किया था, अब मान लीजिए मैं अंडू करना चाहता हूँ, तो देखिए हमारा जो फ्रेम वाला ऑप्शन है वो हट चुका है। अब मान लीजिए ये मुझे कट भी नहीं चाहिए, तो मैं एक बार इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए हमारी जो है
दोबारा से क्लिप वैसी हो चुकी है। मान लीजिए हमारी जो क्लिप थी वो 5 सेकंड की थी, तो मैं इसे 5 सेकंड बनाना चाहता हूँ। मतलब जो भी मैंने अभी सिर्फ चेंजेस करी, मैं सबको हटाना चाहता हूँ, तो मैं बार बार इस पर क्लिक करूँ। देखिए तो हमारे क्लिप दोबारा से 5 सेकंड की हो चुकी है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपने गलती से, मान लीजिए हमने गलती से क्लिक कर दिया, हमें वाला इफेक्ट चाहिए था, हमें वाली जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने कट किया था कैंची से ट्रिम के ऑप्शन से, वो हमने सही कट किया था, हम उसे वापस चाहते हैं, तो ये वाला नीचे का ऑप्शन दे रखा रीडू का, इस पर क्लिक कर सकते हो। ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने पहले इफेक्ट लगाए थे वो सब लग जाएंगे, देख सकते हो। तो आई होप आपको ये रीडू और अनडू का ऑप्शन समझ में आया होगा। मान लीजिए आपने ये वाली जो क्लिप है, ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डिलीट का, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। वापस लाना है तो अगेन यहाँ पर अनडू का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना आ जाएगा। और अगर आपको ये क्लिप नहीं लानी है तो रीडू का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो ये चला जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये कुछ और आइकन दो दे रखे हैं यहाँ पर, मैं बताता हूँ आइकन को क्या करना है। जब आप ज़्यादा एडिटिंग कर लेते हो तो उनमें लेयर बाय लेयर बहुत सारी चीज़ लग जाती है, नीचे साउंड इफेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ लग जाती है। तो आप इसे ऐसे करके इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे करके देख सकते हो कितनी लेयर है, क्या क्या काम हो रहा है, आपकी सीन यहाँ पर आ जाएगी। अब इसे यहाँ से उठा के कहीं भी आप ऐसे ले जा सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर ले जाना है, इसे प्ले करना है तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हो। देखिए प्ले हो चुकी है हमारी वीडियो। मान लीजिए आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमारा सैम पहले है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, अगेन इस वाले बटन पर क्लिक कर दो, आपकी जो स्क्रीन है पहले जैसी हो जाएगी, ऐसे हो गई। तो आई होप ये वाले ऑप्शन आपको कुछ समझ में आए होंगे। अभी एक दो ऑप्शन और रह चुके हैं इधर वाले, मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई क्लिप को छोटा बड़ा करना है तो वो कैसे करेंगे, छोटा बड़ा करने के लिए आपको उस क्लिप पे उस क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे इस क्लिप को बड़ा करना है तो मैं इस क्लिप पर सेलेक्ट करूँगा। इस क्लिप को बड़ा करने के लिए यहाँ पर ये येलो जो आइकन दे रखा है, इसे इधर स्क्रॉल वगैरह करना पड़ेगा तो आपको हो जाएगी ये बड़ी। अब जब इसे स्क्रॉल करोगे तो ऊपर टाइमर भी चल रहा है ड्यूरेशन नाम से। जब इसे बड़ा करोगे तो यहाँ पर ऊपर टाइमर चल रहा है कि कितने सेकंड की आपकी क्लिप हो चुकी है। तो आपसे आपको इससे बड़ा अंदाजा लगता रहेगा कि हमारे क्लिप कितने सेकंड की हो चुकी है। इसके खास हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको अपनी क्लिप कितने सेकंड की रखनी है, जितना आपको अपनी वीडियो में रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। मान लीजिए अभी मुझे इसमें और भी फोटो वीडियो ऐड करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ये आइकन दे रखे हैं चारों, इन्हें आपको मैं समझाऊंगा धीरे कर करके, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अब ये वाली चीज़ आपने समझ ली होगी कि किसी वीडियो को कैसे काटते हैं, और अंडू रीडू वीडियो एक्स्ट्रा आ गई है तो इसे डिलीट कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ ऑप्शन यहाँ पे और दे रखे हैं, मैं इनको अभी समझाता हूँ आपको। तो इस क्लिप पर क्लिक, इसे क्लिप पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से अब देखिए रोटेट का यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हो ऊपर ये रिप्लेस का। अगर आप इसकी जगह कुछ दूसरी वीडियो चाहते हैं तो रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कोई यहाँ से इमेज ले लोगे एंड वीडियो चाहते तो वीडियो पर रिप्लेस कर देना। देखिए रिप्लेस हो चुका है, लेकिन हमें वही वाली वीडियो चाहिए, तो मैं अगेन रीडू अंडू मैंने कर दिया। वापस आते हैं वीडियो पर। इसके साइड में एक पैन जूम का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अगर वीडियो का जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, कि इस पर आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं स्क्रॉल वगैरह कर रहा हूँ तो ऐसे होल्ड करना पड़ेगा जब आपका होएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन, हमने स्टार्ट एंड पोजीशन को कर दिया। अगर यही पोजीशन आप स्टार्ट में भी लगाना चाहते हो तो ये वाला एक आइकन है, इस पर क्लिक कर देना। अब हमारी दोनों पोजीशन सेम हो जाएगी, लेकिन हमें ऊपर वाली पोजीशन अलग रखनी है, ये वाली पोजीशन अलग रखनी है, तो इस पर अनसेलेक्ट कर देना एंड ऊपर वाली पोजीशन को हम स्टार्ट पोजीशन को अपना खुद सेलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल ऐसे कोने में जाए, ये छोटा हो जाए, देखिए ऐसा मैंने कर दिया है। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ, इसे प्ले करके देखता हूँ, देखिए कुछ एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। देखिए अब देखिए ये स्क्रीन जो है बड़ी होती जा रही है, देखिए ये जो इस तरह से आप एनिमेशन इसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर रोटेट और मिरर का ऑप्शन है, इससे आप रोटेट कर सकते हो, ये सब समझ में आया। रोटेट का ऑप्शन है तो रोटेट कर सकते हो, देखिए रोटेट हमने कर लिया, देखिए इस तरह से ये रोटेट हो गया। तो इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हो रोटेट वाले ऑप्शन से। फिल्टर कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं काइन मास्टर के अंदर, कुछ फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो इस तरह से। शायद आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा होगा, लेकिन ये फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो। देखिए अगर आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर आप इन्हें जब एडिटिंग करोगे तो आप इन्हें खुद यूज़ करना, लेकिन आपको फ़िल्टर नहीं लगाना है तो नॉन का ऑप्शन कर देना, अगेन हमारा फ़िल्टर बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन यही फ़िल्टर आपने मान लीजिए ये फ़िल्टर लगाया है किसी में, तो मैं इसे सब में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वन क्लिक में यहाँ पे दे रखा अप्लाई टू ऑल, तो यही फ़िल्टर सब में अप्लाई हो जाएगा उसी सेटिंग के साथ। हमें तो फिल्टर नहीं लगाना, मैंने आपको बताया फ़िल्टर कैसे लगाते हैं अपनी वीडियो में, अपनी फोटो में, अपनी इमेज में, जो भी आप वीडियो प्रोजेक्ट बना रहे हो। मैं इसे नन कर देता हूँ अभी और बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, मान लीजिए आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, करेक्शन करना चाहते हो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ पर कम ज़्यादा से छेड़ सकते हो, देखिए तो ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट की है। एडिटिंग वगैरह की नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पर दे रखी हैं, उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो। कुछ नीचे एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई टू ऑल एंड रीसेट, मान लीजिए आप लोग कुछ गलत एडिटिंग हो चुकी है, मान लीजिए आपने ये कम कर दिया है, ये कर दिया है, तो हम इसे
करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हो, बिल्कुल सेटिंग पहले जैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल रीसेट हो जाएगी। मान लीजिए हमने ये इसका रंग चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, यही सेटिंग हम जो है सब में अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई टू ऑल पे कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे रीसेट कर देता हूँ एंड बैक चाहते हैं यहाँ से। आई होप को ये फिल्टर रोटेट एडजस्टमेंट का ऑप्शन समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बिगिनिटी का ऑप्शन दे रखा है और एक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रखा है और एक क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन दे रखा है, ये भी नहीं समझते हैं। सबसे पहले बिगिनिटी का ऑप्शन समझते हैं। बिगिनिटी आप जानते होंगे, ये लास्ट में हमारे देखिए बॉर्डर, ये जो है बॉर्डर हमारा वीडियो का, पहले मैं इसे को जाता हूँ, इसको मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, इसको मैं पहले जैसे कर रहा हूँ, मैंने इसको पहले जैसा कर दिया है। अब इसको जो है रोटेट में जाके पहले जैसे मैंने इसको कर दिया है। उसके बाद आप बिगनिटी का ऑप्शन पे अगर ऑन करोगे तो यहाँ पर देखोगे साइड में ब्लैक ब्लैक हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भी मैं बहुत सारे वीडियो में क्लिप ऐड करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्लिप कैसे ऐड करते हैं, उन्हें फिर एडिट कैसे करते हैं, बताऊँगा टेस्ट वगैरह के बारे में सब कुछ बताऊँगा, धीरे धीरे करके सब चीज़ें आप सीखोगे इस वीडियो के अंदर। तो बिगनिटी मैंने आपको लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्लिप ग्राफिक का एक ऑप्शन दे रखा है, इसे अभी समझेंगे, थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, मतलब अच्छी चीज़ है ये, सबको समझना इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स का ऑप्शन है ये। उसके बाद एक नीचे इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन आप क्लिक कर दे तो आपके वीडियो की डिटेल आ जाती है जो आपने ऐड कर रखी है इस प्रोजेक्ट में, जिसकी डिटेल आप निकालना चाहते हो, रेजोल्यूशन, कुछ इमेज फॉर्मेट, सब यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो इन्फॉर्मेशन, वीडियो की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दे रखे हैं, क्लिप ग्राफिक्स, इन पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर ग्राफिक्स के ऑप्शन पर यहाँ पर लगाता हूँ तो ये मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स डाउनलोड कर रखे हैं, कुछ ग्राफिक्स आपको ऑलरेडी कैनमास्टर मिलते हैं, कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं, बता दूँगा कैसे डाउनलोड करने हैं। तो अभी मैं कुछ ग्राफिक्स आपको लगा के दिखा दूँ। मान लीजिए ये वाला मुझे ग्राफिक लगाना है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, स्लैश पर। तो जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे देखिए कुछ एनिमेशन बन रही है। अभी एनिमेशन इनमें टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये टेक्स्ट लिखने का भी ऑप्शन दे रखे हैं। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, अभी ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा ग्राफिक्स का कुछ। देखिए यहाँ पर ये वाले ग्राफिक्स हैं, देखिए ये ग्राफिक बहुत काम आते हैं, बाद में आप जब सीखोगे इन चीज़ों को समझ में आएंगे आपके। तो अभी हमें ये वाले ऑप्शन समझते हैं, ये वाले अपने सारे ऑप्शन समझ लिए कि इसका क्या काम है। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो इन्हें बैक करके आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको जरूर से समझ में आएगा। तो इन ऑप्शन को हमने समझ लिया है। उसके बाद मान लीजिए हमें कोई वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दे रखा है। अगर कोई वीडियो ऐड करनी हो, कोई फोटो, वीडियो, कुछ भी ऐड करना हो तो मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर आप फोल्डर वाले ऑप्शन पर पहुँच जाओगे, जो अब मैंने पहले आपको समझाया है। मान लीजिए मुझे कोई वीडियो ऐड करनी है, मैं वीडियो में जाऊँगा, यहाँ से वीडियो ऐड कर लेता हूँ कोई, जो भी फिलहाल के लिए आपको एडिटिंग करने के हिसाब से मैं जो आपको समझाऊँगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर कोई एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए ये वाली मैं वीडियो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने वीडियो ऐड कर लिया, एक बार मैं इन पूरी वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर टाइमर देखते रहना, ये 15 सेकंड की हमारी वीडियो है। इस वीडियो को मुझे छोटा करना है तो मुझे कैसे छोटा करेंगे, यहाँ पे यहाँ से आप क्या ट्रिम में जाओगे, ट्रिम में जाने के बाद इस पर राइट ट्रिम राइट क्लिक कर दोगे, इससे भी छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एडवांस तरीका दिखाता हूँ, इसमें जाने के बजाय आप सेलेक्ट करना एंड यहाँ से जो ये येलो वगैरह आ रहा है सो हो रहा है, इसको आगे पीछे करके भी आप ट्रिम कर सकते हो ऐसे करके, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैंने इसे ट्रिम कर दिया, अब यहाँ पे ये जो वीडियो है ये इस चलेगी, अब देख सकते हो ये कुछ वीडियो है हमारी इस तरह से चल रही है। तो ये जो वीडियो थोड़ी लंबी है तो मैं इसे कट करूँगा, तो मैं इसे ऐसे ट्रिम करके यहाँ से कट कर दूँगा। तो ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। और ये हमारी वीडियो 7 सेकंड की बन चुकी है। उसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो में ट्रांजिशन लगाने होते हैं तो ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे, ट्रांजिशन आप जब भी लगा सकते हो जब आपकी वीडियो में ये वाला आइकन आएगा, ये जो यहाँ पर आइकन आ रहा है ये आइकन आना चाहिए, वहीं पर आप ट्रांजिशन लगा सकते हो। ट्रांजिशन कैसे लगाएं, चलिए इस आइकन पर क्लिक करोगे, जब आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स, तो मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन यहाँ से डाल के रख रखे हैं। देखिए फ्लैश ट्रांजिशन है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं ट्रांजिशन, ये लाइट वाला, ये देखिए ये लाइट वाला ट्रांजिशन। इसके आप ड्यूरेशन स्पीड वगैरह भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए मैं 0.5 पे करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ से जाएगा। देखिए अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ कर देता हूँ, ड्यूरेशन मतलब कम कर देता हूँ, देखिए कितना स्लोली आ रहा है ये। मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसे हटाता हूँ, इसे एक बार प्ले करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए अब मुझे एक ट्रांजिशन यहाँ पर भी लगाना है बीच में, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे, मैंने बोला ये वाला आइकन यहाँ पर शो होना चाहिए, ट्रांजिशन वाला आइकन। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए यहाँ पर जाएंगे ट्रिम के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन है, बीच में से कट कर देंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन जब भी आता है जब दो क्लिप एकदम यहाँ पे करेक्ट होंगी तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब मुझे कौन सा, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन दे रखे हैं तो यहाँ पर मैं ये वाला ट्रांजिशन जो है लगा देता हूँ। ये वाला ट्रांजिशन आपने बहुत बार देखा होगा, देखिए ये ट्रांजिशन किस तरह से आता है, देखिए
देखिए और भी यहाँ से दे रखे, इन्हें आप इनकी स्पीड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं काइन मास्टर के अंदर। मैं इसे काइन मास्टर को दोस्तों 5 साल से 6 साल होने जा रहे हैं, मुझे 6 साल से काइन मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें मास्टर मैंने कर लिया है बिल्कुल। तो इसे देखिए कम ज़्यादा आप करना चाहते हो तो ऐसे स्क्रॉल करके भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको जो है जूम करके बहुत सारी चीज़ें से एडजस्टमेंट करनी है, तो ऐसे खींचते रहिए बहुत, जब तक खींचते रहोगे जब तक ये बड़ी रहती रहेगी, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजिशन जो है मुझे कम करनी है, तो मैं कम कैसे करूँगा, इस ट्रांजिशन में क्लिक करूँगा। मान लीजिए मुझे ट्रांजिशन ही हटानी है, तो यहाँ पर ऊपर नन का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर दूँगा, ये ट्रांजिशन ही हट जाएगी। अगर मुझे ट्रांजिशन लगानी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, उसके बाद मैं इसकी ड्यूरेशन जो है कम ज़्यादा कर दूँगा, यहाँ से 0.5 कर देते हैं। तो ये मैंने ट्रांजिशन लगा दिया, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह की हमारी कुछ वीडियो बनी है, ठीक है। तो ये आपने मीडिया का ऑप्शन यहाँ से समझ लिया हो, कोई वीडियो ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, लेयर्स का ऑप्शन। लेयर्स का ऑप्शन आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, 5 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन है, फिर एक इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, सॉरी गलती से क्लिक हो गया, इफेक्ट्स का ऑप्शन है, फिर स्टिकर है, फिर टेक्स्ट है, फिर हैंड राइटिंग है। धीरे धीरे सबको समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक इमेज ऐड करनी है, एक वीडियो ही ऐड करनी है इसके नीचे, तो मैं कैसे करूँगा, अगर आपको इस वीडियो के नीचे कुछ वीडियो लानी है, लेयर में लानी है, तो वो वीडियो आप यहाँ से मीडिया से लाएंगे। लेकिन चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मुझे एक वीडियो क्लिप लेनी है यहाँ से, तो मैं चला जाता हूँ अपने फोल्डर में। उसके बाद यहाँ से मुझे एक ये वाली वीडियो मुझे लेनी है, तो यहाँ से देखिए वीडियो आ चुकी है। अब मैंने यहाँ से लेयर में जाकर मीडिया में जब वीडियो ली, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर इसके नीचे वीडियो आई है, समझना ध्यान से। लेकिन अगर मैं मीडिया पर जाकर कोई वीडियो लेता हूँ, तो वीडियो वो कहाँ पर आ रही है देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पर डिफरेंस देखोगे, अगर मैं कोई वीडियो इंपोर्ट कर रहा हूँ मीडिया में जाके, तो वीडियो वो यहाँ पर आती है ऊपर। लेकिन अगर मैं लेयर पर जाके मीडिया पर वीडियो इंपोर्ट करता हूँ, तो वीडियो वो यहाँ पर आती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें समझना और इन्हें कैसे यूज़ करना है मैं बताऊँगा आपको आगे। फिलहाल के लिए ये वाली वीडियो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपने कोई वीडियो इंपोर्ट की, अब इसको आपको पूरे फ्रेम पर आपको लगाना है, एडजस्ट करना है, तो सिंपली आपको इसे कुछ नहीं छेड़ना। आप ऐसे एक तो स्क्रॉल वाले बटन से भी आप ऐसे अपने पूरे फ्रेम पर लगा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ऐसे नहीं लगाना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, यहाँ पर एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये पूरे फ्रेम पर एडजस्ट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। लेकिन मैं इसे यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्हें भी आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए इस तरह से, तो इन्हें ऑफ करते हैं और मैं खुद ही इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके ये मैंने लगा लिया। इस तरह से भी आप लगा सकते हो, तो मैं इसे एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसे बंद करता हूँ, छोटा कर लेते हैं, और इसे जो है यहाँ से मैं इसे यहाँ से स्प्लिट करने वाला हूँ, मतलब काटने वाला हूँ, यहाँ से इसे काट देते हैं। उसके बाद मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने पार्ट जो है काट दिया, देखिए बिल्कुल एकदम से आ रहा है, बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है एकदम से जो आ रहा है। तो इसमें मैं एनिमेशन देना चाहता हूँ। एनिमेशन कैसे देंगे, यहाँ पे इन एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओवरऑल एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आउट एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंड इसकी वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का ऑप्शन आपको जब कम आएगा, मान लीजिए आपको कोई क्लिप ऐड कर रहे हो, कोई वीडियो ऐड कर रहे हो, उसमें आपकी साउंड है, तो साउंड को अगर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में साउंड है ही नहीं, तो इसलिए बिल्कुल साउंड आएगी नहीं। लेकिन अगर आपको साउंड बंद करना है उस वीडियो का, तो यहाँ से 0 पे कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, वॉल्यूम वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे साउंड हमारी बंद हो चुकी है, इससे भी साउंड बंद हो जाती है। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में साउंड है ही नहीं, तो कैसे आएगी, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ ऑप्शन को। अब मैं आपको क्या बता रहा था, एनिमेशन का आपको ऑप्शन बता रहा था। तो यहाँ पे इन एनिमेशन आप क्लिक करोगे, तो इन एनिमेशन का मतलब है इन, मतलब शुरू में ये एनिमेशन लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में लगाना चाहते हो जब वीडियो ख़त्म होगी, तो उसके लिए आउट में लगाओगे, ये आउट वाला एनिमेशन काम आएगा। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो में लगाना चाहोगे, जब तक वीडियो चलेगी जब तक चलनी चाहिए एनिमेशन, तो ओवरऑल एनिमेशन पर आप क्लिक करके लगाओगे। आपको मैं सारी एनिमेशन अभी लगा के दिखाता हूँ। इन एनिमेशन में क्लिक करेंगे, एक फेड की जो है एनिमेशन ऐसे आ जाएगी, तो इसे कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए जो क्लिप है ना, मैं कम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जब अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँगा इसे, बड़ा कर लेता हूँ क्लिप को, इसको भी। तो मैंने क्लिप बड़े कर दिया, एनिमेशन के अंदर जाता हूँ। उसके बाद देखोगे ऐसे फेड करके जो हमारी वीडियो शो होगी, बहुत सारे यहाँ पर एनिमेशन दे रखे हैं, और अगर एनिमेशन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आई हो आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक
एक यहाँ से एनिमेशन है, यहाँ पे स्लाइड राइट के ये देखोगे, स्लाइड राइट के एनिमेशन, नीचे जाओगे तो बहुत सारी एनिमेशन आप यहाँ पर हैं, ये आपको खुद लगा के देखनी पड़ेंगी। मैं सारी एनिमेशन आपको बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, आपको उन्हें ट्राई खुद ही करना होगा। तो ये वाली एक एनिमेशन है, इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ, ये मैंने एनिमेशन यहाँ से लगा दिया, ठीक है। तो एक आउट एनिमेशन भी लगा देता हूँ, आउट एनिमेशन लगाने में यहाँ पर फेड वाली एनिमेशन यहाँ पर लगा देता हूँ। तो एक बार इसे प्ले करके देखते हैं वीडियो को। तो ये देखिए कुछ ऐसे वीडियो प्ले होगी, उसके बाद जो है जब इसकी एंड हो जाएगी तो ऐसे फेड होकर चली जाएगी, उसके बाद ये वीडियो आ जाएगी, ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद ओवरऑल हमें पूरी वीडियो में लगानी है ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो ओवरऑल इस पर क्लिक करेंगे, अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ये ऐसे पल्स हो, ये देखिए ऐसे मतलब ब्लिंक होता रहेगा। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए ये देखिए ये देखिए, ये वाला इफेक्ट आपने अधिकतर वीडियो में आपको देखा होगा, कोई भी चीज़ आती है, कोई फ़ोटो आती है, वो इस तरह से हिलता है, तो वो आप काइनेमास्टर में भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब मान लीजिए हमें इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ करनी है, तो इस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे एक स्पीड कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन दे रखा है। स्पीड को कम ज़्यादा करोगे, यहाँ से देखिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, 2 पे कर देता हूँ। अब देखिए ये वीडियो कितनी फास्ट चलने वाली है, देखिए सॉरी बैटरी कम हो गई मेरे मोबाइल की। तो ये देखिए स्पीड कम ज़्यादा करना है, स्लो मोशन करनी है, तो यहाँ पर सॉरी स्पीड वाले ऑप्शन में जाओगे एंड इसकी स्पीड कम करने के लिए यहाँ से 0.5 कर दोगे, इससे भी कम करोगे बिल्कुल एंड में ले जाओगे, तो आपकी जो वीडियो की स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब पता नहीं चल रहा होगा, बिकॉज थोड़ी वीडियो की जो मोशन है ना बहुत कम है। मैं किसी और वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, इसे भी मैं फिलहाल के लिए बिल्कुल पहले जैसा कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मैं बैग जाते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है रिवर्स का, देख यहाँ पर ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन का, आपने ऑप्शन समझ लिया है, ये जो ऑप्शन जो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का है इसे कैसे यूज़ करते समझ लिया। एक यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है, ये काम का है। इस क्रॉप वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाते हो जैसे कम ज़्यादा आप कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं ये नहीं करने वाला। यहाँ पर मास्क का एक ऑप्शन दे रखा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये शेप जो है यहाँ से चूज़ करेंगे। अब आपने ये वाला बहुत देखा होगा, मान लीजिए देखिए अब जो वीडियो थोड़ी अच्छी लग रही है, एकदम क्लासिक वीडियो हमारी लग रही है, इसके ये साइड में जो एजेस हैं ये हमने कम कर दिए हैं। मान लीजिए आपको गोल वीडियो करनी है, इसका सर्कल में आपको करनी है, तो सर्कल का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, शेप में जाएंगे सर्कल का ऑप्शन जो है चूज़ कर लेंगे, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए आपसे मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखिए ऐसे करके। अब देखिए हमारी वीडियो कैसे लगने वाली है, तो ये देखिए इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो अपने वीडियो को। क्रॉप में जाएंगे दोबारा से, यानी यहाँ से इसका फीडर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान देखिए इसका फीडर हम बढ़ा देंगे, तो ये फीडर वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। तो फेदर से होता क्या है कि बैकग्राउंड से बिल्कुल ब्लेंड हो जाती है हमारी वीडियो। अगर आप ब्लेंड करना चाहते हो किसी क्लिप को बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना चाहते हो, तो फेदर वाला ऑप्शन से आप थोड़ा हद तक उसे कर सकते हो। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, जो इस वाले इसमें कर देता हूँ। ये सब चीज़ें मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी कार मास्टर में समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिल्टर के ऑप्शन आप समझ चुके, क्रोमा की के ऑप्शन को आप चाहोगे तो जब आप कोई वीडियो शूट कर रहे हो ग्रीन स्क्रीन के पीछे, आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, लाइक धुबराटी आपने वीडियो देखेंगे, धुबराटी की वीडियो जो बैकग्राउंड में चलती रहती है वो ग्रीन स्क्रीन के कारण ही है। आपको ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर ग्रीन स्क्रीन से कोई वीडियो शूट करते हो तो उसका जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट हटाना चाहते हो तो वो क्रोमा की से ही हटता है। तो वो चीज़ काइन मास्टर में दे रखी है, क्रोमा की पे जाओगे, जो भी ग्रीन बैकग्राउंड है, इस वीडियो में ग्रीन बैकग्राउंड है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे हटाते हैं। यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन दे रखा है, अनेबल कर देंगे, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो हट चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ देखोगे थोड़ा ढंग से हटा नहीं है इफेक्ट, तो इसको जो है देखिए कम ज़्यादा करके आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल करेक्ट ग्रीन स्क्रीन नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई वीडियो ग्रीन स्क्रीन शूट करते हो तो उसे अच्छे से कर सकते हो एडजस्ट। यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर कलर को भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, अगर जो आपको बैकग्राउंड में कलर है उसे हटाना है ना तो वो कलर चूज़ कर सकते हो। अधिकतर वीडियो जो है ग्रीन स्क्रीन में शूट होते हैं तो ये ऑलरेडी ग्रीन पर सेलेक्ट है। मान लीजिए आपने ब्लू पे सेलेक्ट कर रखा है तो ब्लू यहाँ पे चूज़ करना है, ब्लू में शूट करिए तो फिलहाल के लिए ग्रीन ही रहने देते हैं। और अच्छे से आपको अगर मास्किंग करनी है तो यहाँ पर डिटेल कर्व का एक ऑप्शन है, इसके जरिए भी आप ये कर सकते हो। देखिए यहाँ से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, हमारी वैसे वीडियो जो है अच्छे से हो चुकी है, जितनी हमें करनी थी हमारी वीडियो हो गई है।
तो फिलहाल के लिए आपने ये क्रोमा की का ऑप्शन भी अपने सीख लिया। उसके बाद ये मैजिक रिमूवर है, इसका काम यही है, कोई बैकग्राउंड में अगर आप कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो फोटो का वीडियो का तो इस पर क्लिक करोगे, ये आपका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चालू कर देगा। ये विदाउट इंटरनेट आप कर सकते हो तो फिलहाल के, लेकिन इस जो ये प्रोसेस जो होता है कैनवा मास्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन काम का है, ये जो ऑप्शन दे रखा है कैनवा मास्टर बहुत ज़्यादा काम का है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर भी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर, बहुत कम सॉफ्टवेयर जिनमें बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ से जो है अल्फा का जो ओपेसिटी के नाम से दे रखा है, इससे क्या कर सकते हो आप, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो इस ऑप्शन से। नीचे जाओगे ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग मोड में आपको समझ में आया होगा ब्लेंड किसी चीज़ से बिल्कुल ब्लेंड कर देना, जैसे मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ये देखिए ब्लेंड हो चुका है हमारी स्किन के हिसाब से, डार्कन और ये लीनियर वन, और ये लाइटन का, ये देखिए स्किन का, ये देखिए बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन, आप इसे चूज़ कर लेना, देख लेना एक बार, ट्राई जरूर से करना जब भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये वॉल्यूम वगैरह के दे रखे हैं, तो इन्हें अभी जब मैं ऑडियो ऐड करके दिखाऊंगा, जब आपको मैं समझाऊंगा इन वॉल्यूम के म्यूज़िक वगैरह के जो इफेक्ट हैं जब आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो में टेक्स्ट वगैरह लिखना है मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, अभी इस वीडियो की ये जो वीडियो है मैं इसकी आपको स्पीड कम ज़्यादा करके दिखाने वाला हूँ। चलिए इसकी स्पीड मैं कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। इस वीडियो पर क्लिक करते हैं, स्पीड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसकी स्पीड कम कर ज़्यादा करनी है तो ये मुझे स्लो मोशन वीडियो वाली बनानी है, तो मैं इसकी स्पीड जो है मैंने बिल्कुल कम कर दी है। अब देखिए मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमारी जो वीडियो है बिल्कुल स्लो मो लग चुका है। इस तरह से आप स्पीड को स्लो मो कर सकते हो, और फास्ट करनी है तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड वीडियो को मुझे फास्ट करनी है तो मैं यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जितनी आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन दे रखा है। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, देखिए कितनी जल्दी स्पीड हो रही है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बन पे कर देता हूँ। यहाँ पर आपने एक ऑप्शन ज़रूर से देखा होगा, रिवर्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, एक रिवर्स का आपने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी हम जो वीडियो है बिल्कुल रिवर्स होने लग जाएगी, अभी थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, जो कि हमारी वीडियो छोटी है तो ये जल्दी हो चुकी है रिवर्स कम्प्लीट। अब एक बार मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, हमारी वीडियो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अब देखिए ये देखिए, इसमें आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा बिकॉज ये हमारा जो हाथ, ये बंदा उठा रहा था नीचे से उठा रहा था, लेकिन अब हमने रिवर्स कर दी तो इसका हाथ ऊपर से ये उठा रहा है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ तो हमारा रिवर्स हट चुका है, तो हमारा रिवर्स जो है हट गया है। अब आपने एक ऑप्शन यहाँ से सीख लिया है मीडिया वाला, ये एफएक्स का ऑप्शन यहाँ पर आता है, एफएक्स के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ब्लर वगैरह के इफेक्ट दे रखे हैं, ये देखें ब्लर आपको अगर लगाना है तो यहाँ पर बेसिक इफेक्ट का ऑप्शन दे रखा होगा, वीडियो में ब्लर लगाना है, कुछ वीडियो को हाइड वगैरह करना है तो वह इससे कर सकते हो। देखिए ये मैंने कम ज़्यादा इसका कर सकता हूँ, इसकी शेप अगर मुझे लगानी है तो मैं शेप भी इसकी बना सकता हूँ, देखिए सर्कल में ब्लर लगाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इसे लेकिन मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इसकी ब्लर की ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पर सेटिंग का एक आइकन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए इसकी ब्लर की ओपेसिटी मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देखिए एक बार मैं आपको दिखा भी रहा हूँ चला के, ये देखिए। लेकिन इस ब्लर में भी आपको कुछ एनिमेशन लगाने हैं तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, एनिमेशन फेड एनिमेशन ये सब एनिमेशन भी यहाँ से लगा सकते हो, ये एनिमेशन के ऑप्शन आपको मैंने समझा दिया ऑलरेडी। और यहाँ से कुछ दूसरा इफेक्ट लगाना चाहते हो ना तो इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना। मान लीजिए मुझे ये वाला ब्लर नहीं लगाना है, इसकी जगह ये लगाना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। मुझे मान लीजिए ये वाला ब्लर भी नहीं लगाना, मुझे दूसरा ब्लर लगाना है जो मैंने यहाँ से डाउनलोड करने रखे, ये वाला एक लगाना है इफेक्ट, तो यहाँ से देख सकते हो ये वाला इफेक्ट लगा सकते हो। इसकी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, देखिए बहुत सारी सेटिंग यहाँ पर दे रखी है, इनमें छेड़छाड़ करके आप इसको इफेक्ट को और अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ से ये इफेक्ट के आपको समझ में आया होगा, यहाँ से सिर्फ आप जो है, सॉरी मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ से जो एफएक्स का जो ये ऑप्शन दे रखा है इसमें ब्लर वगैरह के ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, इनकी एडिटिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको लेना है, कोई भी ब्लर यहाँ से ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। लेकिन देखिए मैं चलिए एक और ले लेता हूँ, कितनी भी आप लेयर बाई लेयर यहाँ से जो है चढ़ा सकते हो। देखिए मैं सब कुछ यहाँ से चला के देखता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा जो है हैंग होने लगा काइन मास्टर, लैग होकर चलने लगा, क्योंकि लेयर बाई लेयर जब काम होता है तो थोड़ा लोड पड़ता है मोबाइल पे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट करना भी मैंने आपको बता ही दिया है, इसे भी चलिए इसे इस वाले इफेक्ट को जो रहने देते हैं। अब आपको इफेक्ट्स लगाना आ गया, मीडिया भी आ गया, स्टिकर के ऑप्शन में आपको कुछ स्टिकर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। जी देखिए ये जो स्टिकर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मेरे काइन मास्टर के ऐप में देखने के लिए मिलने हैं, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, आपको ये डाउनलोड करने पड़ेंगे अलग से। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मैंने सब इफेक्ट डाउनलोड कर रखे हैं, काइन मास्टर के अंदर ये सब इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए सब इफेक्ट काइन मास्टर के अंदर दे रखे हैं, तो वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए सब लगा रखे हैं, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट हैं भाई,
ये सब्सक्राइब वगैरह के इफेक्ट यहाँ से दे रखे हैं। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा सब्सक्राइब जो ये मैं लगाता हूँ सब यहीं से लगाता हूँ। ये सब वीडियो वगैरह के जो ऑप्शन है सब यहीं से ही आ रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आपको इन्हें यूज़ करोगे। देखिए ये देखिए कितने सारे इफेक्ट हैं। चलिए मैं धीरे धीरे सबको डिलीट कर देता हूँ। और हाँ, ये सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। लेयर पे जाएंगे अगेन, स्टिकर का ऑप्शन समझ लिया। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो लेयर पे जाकर टेक्स्ट पे क्लिक करना, टेक्स्ट यहाँ पे लिख देना। मान लीजिए यहाँ से मैं काइन मास्टर कोर्स लिख देता हूँ, काइन मास्टर कोर्स। जो आपको लिखना है अपनी वीडियो में वो यहाँ से लिख सकते हो। हमने काइन मास्टर कोर्स लिखा, पहले में जो ये लेयर बनी पड़ी है इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जो आपको ये ऑप्शन दिखाया था, आपको अगर ऐसे देखिए अगर ऐसे मैं देखूँगा ऐसे ऊपर नीचे करके तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था समझाया था कुछ लेयर बाय लेयर आपको देखना है तो इस पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है तो मैं ये सारे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम के हैं, आपको सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने जो है मेरा टेक्स्ट का जो है ये लेयर वगैरह ये टेक्स्ट का जो है ये रहा ग्राफिक, इसको मुझे एडिट करना है। अब पहले तो मैं इसका फंड चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ बहुत सारे आपको फंड देखने के लिए मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं ये वाला फंड जो है चूज़ कर लेता हूँ। इस फंड को चूज़ करिए, इसकी हाइट कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पर ये बटन दे रखा है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं इतना बड़ा रख लेता हूँ, इसको उल्टा सीधा करना है तो ऐसे कर सकते हो। इस वाले थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए इतना सही है। लेकिन अभी एकदम बिल्कुल बेकार लग रहा है ये। इसमें कुछ ग्लो वाला इफेक्ट लगाएंगे। ग्लो वाला इफेक्ट कैसे लगाते हैं, चलिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मैं इसमें रेड कलर लगा देता हूँ, रेड, ब्लू, येलो, कुछ भी कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड अगर छेड़ना चाहते हो तो देखिए यहाँ से कर सकते हो, ये यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। ये सब आपको ट्राई करके देख लेना, मैं भी नॉर्मल रहने देता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का जो है ऑप्शन, इस पर आप कर सकते हो। कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर भी आपको ये स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ से कैरेक्टर स्पेस पे जाके बढ़ा सकते हो। फिलहाल के लिए चलिए इतना रख देते हैं। आउटलाइन लगानी है तो यहाँ पर आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये आउटलाइन लग जाएगी। आउटलाइन का कलर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करना है, जो कलर लगाना है सेलेक्ट कर लेना। मैं बाइट रखना चाहता हूँ और बाइट की हाइट लाइट की मोटाई कितनी रखना चाहते हो, उसकी बिट कितनी रखना चाहते हो, यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये शैडो का ऑप्शन है, 3D लुक अगर आप अपने टेक्स्ट में देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। इसको अनेबल करना है एंड यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे रेड कलर का शैडो देनी है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट लिया, उसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये स्प्रेड का मतलब है कि इसे स्प्रेड अगर करोगे तो ये आपका जो हाईलाइट होने लग जाएगा। यहाँ से एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो, देखिए इस तरह से। इसका साइज अब भी कम ज़्यादा कर सकते हो, देखिए इस तरह से। तो ये सब आप चीज़ छेड़ सकते हो। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से जाओगे ग्लो का जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ग्लो वाले बटन में जाओगे। ग्लो वाले बटन में जाने के बाद इसे अनेबल करोगे तो यहाँ पे जो एक लाइट वाला जो इफेक्ट जो आता है टेक्स्ट में, ग्लो वाला जो इफेक्ट आता है वो यहाँ से आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे आने लगा। इसे कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ से देखिए कम ज़्यादा भी होने लग जाएगा। इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से तो ये और ज़्यादा आने लग जाएगा। तो अब जो हमारा टेक्स्ट एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ एनिमेशन नहीं है तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एनिमेशन लगाएंगे, इन एनिमेशन पे जाएंगे। इन एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे ये पॉप वाला बटन लगा सकते हो तो इस तरह से आएगा। लेकिन मैं ये वाला नहीं लगाने वाला, मैं लगाने वाला हूँ इसका ये वाला लेटर वाला। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। आउट एनिमेशन में लगा सकते हो, कुछ लगाना चाहते हो तो फेड करना चाहते हो तो फेड कर सकते हो। तो फेड वाला चले लगा देते हैं इस तरह से। अब इसे प्ले कर दे तो अब देखिए अच्छा लग रहा है ये। लेकिन अभी बीच में कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है। तो ओवरऑल एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से ये जो इफेक्ट फ्लोटिंग वाला है ये लगा देते हैं। ये वाला इफेक्ट जरूर से आपने देखा होगा दुबराटे की वीडियो में, जो अधिकतर चल रहा है देखिए ऐसे इस तरह से टेक्स्ट जो हिलते हैं। तो ये इफेक्ट हम यहाँ से लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको इसका बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ बैकग्राउंड कलर दिखेगा, बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हो। देखिए यहाँ से मैं इसमें ग्रीन कलर लगा देता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड में कलर लग चुका है, ये देखिए। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन से ऑप्शन किस तरह से काम आएंगे, सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपने काइन मास्टर कोर्स जो बना ये टेक्स्ट जो लिखा है गलती से लिख दिया, कुछ और चेंज करना चाहते हो बिना कुछ सेटिंग छेड़े तो यहाँ पर एडिट पे जाओगे। हमें जो है ये कोर्स जो है ये हटा देते हैं, खाली काइन मास्टर रहने देते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हट चुका है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। देखिए तो इतना हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक ये हैंड राइटिंग का एक ऑप्शन आता है, ये भी काम का है। इस पर आप क्लिक करोगे, मान लीजिए मुझे इसे हाईलाइट करना है, इसे ज़्यादा शोकेस
दिखाना है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन है, तो ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस पर ऐसे करता हूँ। तो ये देखिए, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा इस तरह से जो एनिमेशन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो देखिए इस तरह से आते हैं। अब इसे एनिमेशन करने हैं तो मुझे एनिमेशन में जाऊँगा, ड्रॉ बाय ड्रॉ कर दूँगा एंड आउट एनिमेशन कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पर जाके स्लो कर सकते हो वीडियो या फास्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये देखिए हो चुका है, लेकिन ये थोड़ी जो इसकी जो लाइन है ना वो थोड़ी पतली आ रही है, तो वो जाएंगे हैंड राइटिंग में जाएंगे इसकी लाइन चौड़ी करने के लिए, मोटी करने के लिए इस पर सेलेक्ट कर देंगे। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए, अब देखिए ये यहाँ से ड्रॉ है स्ट्रोक एंड यहाँ से ये वाला लगा देंगे। ये करने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा जो इस प्रकार का एक एनिमेशन जो है क्रिएट हो रहा है। तो और ये जहाँ से ये वाला जो है इसे हटा देंगे यहाँ से इफेक्ट्स के ऑप्शन को। तो इस तरह से हमारी जो एक वीडियो है जो हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे, लेकिन लेयर का ऑप्शन आप सारे समझ चुके किस तरह से क्या चीज़ ऑप्शन जो है यूज़ होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ये जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, अगर अपनी वीडियो में कुछ वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो वीडियो, उसके बाद यहाँ से अगर अपनी वीडियो में कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हो यहाँ पर ऑडियो का बटन दे रखा है म्यूज़िक का, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। मान लीजिए इसलिए मैं फोल्डर यहाँ से फोल्डर पर जाता हूँ, ये मेरे फोल्डर है, यहाँ से मैं कोई भी म्यूज़िक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, कोई भी म्यूज़िक ऐड करना है ना तो यहाँ पे प्लस का आइकन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना। तो फिलहाल के लिए मैंने ये वाला जो है म्यूज़िक सेलेक्ट लिया, इसे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आप जो है म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, लेकिन म्यूज़िक की आपको आवाज़ कम करनी है ज़्यादा करनी है तो इस पर म्यूज़िक पर क्लिक करना है, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इतनी रखनी है, अब देखिए म्यूज़िक की आवाज़ कम हो गई है, बिल्कुल बंद करनी है तो यहाँ से ये वाला उस पर क्लिक करना, म्यूज़िक की आवाज़ यहाँ से बंद हो जाएगी। म्यूज़िक की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, यहाँ से अगेन मैं दोबारा से बिल्कुल वैसे ही कर देता हूँ, ये कर दी। अब इसमें कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ से रिवर्ब का ऑप्शन दे रखा, कुछ यहाँ पे प्रीसेट ऑलरेडी बने पड़े हैं, यहाँ से देखिए इना पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आवाज़ आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ से कुछ रिवर्ब मतलब कुछ ऑप्शन यहाँ पे रिवर्ब के ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें आप लगाओगे तो कुछ इफेक्ट आपका जो है साउंड में क्रिएट हो जाएगा। आप इन्हें यूज़ करके देख सकते हो, बहुत अमेजिंग इफेक्ट यहाँ से दे रखे हैं रिवर्ब के काइन मास्टर के अंदर, और कुछ और भी इफेक्ट्स यहाँ से दे रखे हैं। अगर आपको अपनी आवाज़ को रोबोटिक बनाना है, फीमेल की आवाज़ में क्रिएट करना है, तो यहाँ से वॉइस चेंजर में जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आवाज़ जो है जो। दोस्तों ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं, आप इन्हें खुद से यूज़ करना, मैं सारे बताऊंगा तो फिर से वही बात बोलूँगा, सारे इफेक्ट बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये अब कुछ इफेक्ट्स हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए मैं इस पर एफेक्ट डकिंग का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ तो ये जो है ग्रे हो जाता है। हालाँकि मैं इसे जब यूज़ करता हूँ, मतलब मुझे कोई म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड में यूज़ करना है तो मैं इसे वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। आपको इस म्यूज़िक को काटना है मतलब ट्रिम करना है, ये वाला पार्ट जो है अगर कोई पार्ट एक्स्ट्रा लगे तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन दे रखा है, आप इसे काट सकते हो। मुझे जो है ये वाला पार्ट काटना है तो मैंने ये वाला पार्ट काट दिया। मान लीजिए मुझे इतना म्यूज़िक और काटना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे नीचे एंड यहाँ पे जो है ट्रिम का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आप काट सकते हो। देखिए मैंने इधर का पार्ट जो है काट दिया है। तो और मान लीजिए अगर मुझे कोई वीडियो कोई म्यूज़िक है, यहाँ पे लूप का ये एक ऑप्शन दे रखा है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। मान लीजिए कोई म्यूज़िक है जिसका म्यूज़िक सिर्फ 5 सेकंड का म्यूज़िक है, लेकिन आपको उस म्यूज़िक को बार बार यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, उस म्यूज़िक को यहाँ से क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। 3 डॉट पर क्लिक करोगे यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, डुप्लीकेट कर दोगे। मान लीजिए अब इसकी जो है कॉपी बन चुकी है, अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, फिर मुझे यूज़ करना है तो फिर से जाऊँगा डुप्लीकेट करूँगा, अब मैं इसे फिर से ऐसे कर देता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आपको कोई चीज़ डुप्लीकेट करनी है तो यहाँ से 3 डॉट पर जाकर आप कर सकते हो, देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर भी जाऊँगा डुप्लीकेट कर दूँगा। तो ये सब चीज़ हम ये कर सकते हो 3 डॉट पर। आपको ये चीज़ और समझ में आई डुप्लीकेट कैसे करते हैं किसी चीज़ को काइन मास्टर में, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने और सी चीज़ सीखी यहाँ पर अब। लेकिन ये चीज़ अब मैं बता रहा लूप का ऑप्शन आपको बता रहा था, तो ये मैं चीज़ यहाँ से रिलेट करता हूँ।
इसमें ज़्यादा समय लग जाता है डुप्लीकेट करोगे, अगर आप अपनी किसी क्लिप को किसी ऑडियो को डुप्लीकेट करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लूप का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसे खींच सकते हो, जितना आप खींचना चाहते हो खींच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और दे रखा है लूप एंड टू एंड, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो पूरे में आ जाएगी। देखिए पूरे में आ गई, तो बहुत ज़्यादा सेव आपका टाइम जो है सेव होता है इन ऑप्शन की वजह से। तो ये ऑप्शन आप आई होप आपको समझ में आए होंगे, समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो को दोबारा से देख लेना है। लूप का मतलब आपको लूप का मतलब बिल्कुल वही उसका लूप बन जाएगा, वही चीज़ बार बार चलती रहेगी, इस ये साउंड बार बार चलती रहेगी, तो ये लूप का मतलब होता है। लूप टू एंड, एंड का मतलब जहाँ तक वीडियो है आपकी उसकी एंडिंग तक आपको उसका लूप बन जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, खुद आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली कर सकते हो, लेकिन इस पर क्लिक करना चाहते हो तो पूरा एंड तक हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ग्रे हो जाएगा बैकग्राउंड साउंड, ऐसा यूज़ कर सकते हो आप उसे। वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है यहाँ से कर सकते हो, कुछ इफेक्ट लगाने तो रिवर्ब से लगा सकते हो, वॉइस चेंजर से लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिए। एक यहाँ पर EQ का ऑप्शन और दे रखा है, इसे भी समझ लीजिए। अगर आपके अपनी वीडियो में म्यूज़िक की आवाज़ जो है बेस थोड़ी बेस बढ़ाना है तो यहाँ बेस बूस्टर वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना, आपका जो है म्यूज़िक में बेस बन जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें जरूर से यूज़ करके देखना अपने हिसाब से। अपनी वीडियो में आप कैसे यूज़ करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने हिसाब से इस वीडियो यूज़ करना। तो मैंने आपको काइन मास्टर में किस हालांकि सारी चीज़ आपको बता दी क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने वीडियो एक एडिट शुरू में आपको दिखाई थी वो वीडियो मैंने कैसे एडिट करी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काइन मास्टर, इस वाले में क्लिक करता हूँ तो इस वीडियो को मैंने कैसे एडिट किया है अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने शुरू में देख लिया होगा, फिलहाल मैं आपको इस वीडियो को दोबारा चला के दिखा देता हूँ। अभी आप जिस एनिमेशन को देख रहे हो, इस तरह की मैप एनिमेशन आपको दो राती की वीडियो में देखने के लिए मिलती है। इस मैप एनिमेशन को देखने के बाद आपने भी सोचा होगा कि इस तरह की मैप एनिमेशन कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस तरह की मैप एनिमेशन अडोबी आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है। अभी वीडियो मैंने कैसे बनाया कैसे एडिट किया है मैं पूरी आपको एडिट करके दिखाऊंगा काइन मास्टर में। तो मैं अपनी वीडियो कैसे एडिट करता हूँ आपको ये भी समझ में आ जाएगा काइन मास्टर में, और जब मैं इसे प्रैक्टिकल एडिट आपके सामने करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे एडिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर से आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, और पार्ट टू इसका मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो जब तक मैंने जो भी आपको सिखाया है इस पार्ट में उसे जाके प्रैक्टिस कीजिए, अपने मोबाइल पर काइन मास्टर में डाउनलोड कर दीजिए, और पार्ट टू जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पसंद नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम आया हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बता देना, मैं जरूर से रिप्लाई आपको करूंगा। और अपने वीडियो को इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।